कहते हैं कि आरोपी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिर पुलिस की नजरों से नहीं बच सकता। जिसका जीता जागता उदाहरण कैथल से सामने आया है, जहां कैथल की CIA 1 टीम ने नकली SHO बनकर लोगों को ठगने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। DSP रविंदर सांगवान ने बताया कि 4 मार्च को कैथल के निवासी अरुण सराफ ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक आरोपी 4 मार्च को उसकी ज्वेलर्स की दुकान पर आया था, जिसने अपना परिचय देते हुए बताया कि वो पेहोवा के थाने में बतौर SHO कार्यरत है और उनके घर एक शादी है जिसके लिए उसको गहनों की जरूरत है। उसके बाद ज्वेलर्स का विश्वास जीतने के लिए आरोपी ने ज्वेलर्स के ही फोन से किसी मंत्री का फर्जी कॉल भी करवाया, जिसके बाद ज्वेलर्स को शातिर अपराधी पर जरा भी शक नहीं हुआ और उसने आरोपी को 8,70,000 की ज्वेलरी दे दी। वही ज्वेलरी लेने के बाद आरोपी ने दुकान के बाहर खड़ी गाड़ी से पैसे लेकर आने की बात कही और वहां से गहने लेकर 9-11 हो गया। वही मामले की गंभीरता को देखते हुए कैथल के SP मकसूद अहमद ने इसकी जाँच कैथल CIA 1 को सौंपी थी। जिस बीच कैथल की CIA टीम ने 24 घंटे से भी पहले वारदात की गुत्थी को सुलझाते हुए पेहोवा के आरोपी रमनदीप को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से सभी ज्वेलरी को रिकवर भी कर लिया है। मामला ये था कि अरुण सराफा जी की दुकान है, यहाँ पे आपको सबको पता भी है। तो एक रणदीप आया था 3:30-4 बजे के करीब, बोला मैं पेवा का SHO हूँ और उसने पहले बहुत सारी चीज़ें देखी और उसमें से कुछ उसने सेलेक्ट कर लिया 8,70,097 रुपये की ज्वेलरी। तो उसके बाद वो बोले ठीक है, बिल बैल उन्होंने बना दिया उनके जो भी बैठे थे। बोले पैसे तो मैं गाड़ी में रखे हैं, मैं गाड़ी से दूंगा। तो उसने अपने नौकर को उसके साथ भेज दिया, वर्कर को। तो वर्कर को लेके गया तो वहाँ पे वो वर्कर को धक्का दे के वो निकल गया। तो कल CIA 1 टीम ने उनको गिरफ्तार कर लिया, इसने रणदीप को, यहाँ से कुरुक्षेत्र से पृथ्वी कॉलोनी से, और अब इससे पूरा पेवा से और अब इससे पूरी जितना भी वो ज्वेलरी लेके गया था उसको हमने रिकवर कर लिया, उसकी गाड़ी रिकवर कर लिया। एक उसने आइडेंटिटी कार्ड दिखाया था पुलिस का, वो अभी तक हम बरामद नहीं कर पाए। और इसके अलावा इनकी इंचार्ज रमेश को और इनकी पूरी टीम को अब 24 घंटे के अंदर ही ये हमने रिकवर सारा। तो सर कैथल से नाम कहाँ है और उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री वगैरह? उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री, इसका रमनदीप नाम है, उर्फ लाड्डी है ये पृथ्वी कॉलोनी पेवा का रहने वाला है। कैथल से पहले कहाँ वाला? ये इसने बताया है कि मैं एक पुंडरी भी गया हूँ और करनाल भी गया हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसने बताया। और इसके अलावा भी हम निकाल लेंगे ये कहाँ कहाँ गया है। तो अपने एक दिन का इसका रिमांड यूँ ही लिया है और जहाँ ले जाने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी देखेंगे। और इसके साथ ये भी देखेंगे, इसके साथ कोई और बंदा है, कोई और गिरोह है, तो वो सारी चीज़ अब पूछताछ में इसके साथ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से ठगी किए गए गहने बरामद कर लिए हैं। साथ ही आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, जिसमें आरोपी की क्राइम कुंडली को खंगाला जाएगा। पंजाब केसरी TV के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।